लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ कर दिया है, यानी इसका उद्घाटन कर दिया है। और इस वक्त आपको बता दें कि वो मौजूद हैं और तमाम वहां पर जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं, जितने भी वहां पर विदेशी मेहमान हैं, जो भी वहां पर प्रेजेंटेशन चल रही है, हर एक चीज को बारीकी से समझते हुए प्रधानमंत्री। और ये बड़ी अपडेट, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि किस तरह से इस बार का इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में बहुत खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने थोड़ी ही देर पहले इसका शुभारंभ किया। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में शामिल हुए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। तो आपको बता दें कि सबसे पहले दिन, यानी कि आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्री अभी उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो मौजूद हैं। और राज्य के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के अलावा तमाम उद्योगपति भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि जो सत्र आज जिसकी शुरुआत होनी है सबसे पहले दिन, उसमें यूपी डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस सब्जेक्ट पर भी चर्चा होगी क्योंकि खास फोकस इस पर भी है। उत्तर प्रदेश में तमाम मेहमानों के लिए पहले से ही खास तैयारियां की गई थी उनके स्वागत के लिए। और अब निवेश के लिए, क्योंकि सबको आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश ने, तो निवेशकों की चीजों को खास ध्यान में रख करके और उत्तर प्रदेश में निवेश की क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से निवेशक जो यहां पहुंचे हुए हैं निवेश करेंगे, एमओयूज जो साइन होंगे उनको कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, इसकी पूरी तैयारियां की गई हैं और ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और इस वक्त इन्वेस्टर समिट में पीएम यहां पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और लखनऊ की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग ये कुछ तस्वीरें हैं। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन कर दिया है। समिट में यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा तमाम इन्वेस्टर्स जो है वो पहुंचे हैं। 40 देशों के 600 प्रतिनिधि इस समिट में शामिल हुए हैं, हिस्सा ले रहे हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस समिट का हिस्सा होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज निवेशकों को संबोधित करेंगे इस सत्र में, क्या कुछ कहते हैं, सबकी निगाहें इस पर बनी हुई है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश रही है कि उत्तर प्रदेश में इस राज्य में निवेश की संभावनाओं को और मजबूत किया जाए, निवेशकों को लाया जाए और उत्तर प्रदेश को कैसे विकसित और किया जाए। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे यहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। 3 दिन तक ये इन्वेस्टर समिट चलने वाला है जहां आज जिसकी शुरुआत लखनऊ से की गई है। सीधी तस्वीर है प्रधानमंत्री की लखनऊ से इस वक्त आप देख रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ आज हो चुका है। तो सबसे पहले जब वो पहुंचे थे इस समारोह में तो रिबन कट सेरेमनी प्रधानमंत्री ने की, पहली तस्वीर आप वही देख रहे हैं। उसके बाद रिमोट दबाकर इसकी शुरुआत की गई और तमाम वहां पर जो डेलीगेशन पूरा मौजूद है, विदेश से जो डेलीगेशन आया है वो भी वहां मौजूद है, लोग भी वही हैं। पर नई नेतृत्व में नई सोच के साथ, पारदर्शी कार्य संस्कृति के साथ, लोक कल्याण की भावना के साथ ये समृद्ध, संपन्न और सुरक्षित उत्तर प्रदेश है जो अब भविष्य के द्वार पर दस्तक देते हुए आप सभी का आह्वान कर रहा है कि आप नवीन और शक्तिशाली भारत के निर्माण में, नवीन उत्तर प्रदेश के विकास गाथा में शामिल हो। और इसके द्वार आप सभी के लिए खोलते हुए, आप सभी को इसके विकास पथ पर आमंत्रित करते हुए, मैं हमारे विकास पुरुष, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का मंगलमय शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर।
class infrastructure, enabling policy framework, business friendly governance. These are the four elements propelling Uttar Pradesh towards a global takeoff, making it New India's growth engine. Following the growth principles laid down by India's visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi, Uttar Pradesh is on its way to becoming the most preferred investment destination for global investors and industrialists. One of the fastest growing Indian states, UP ranks high in ease of doing business with zero tolerance policy against crime and corruption. Known for its cultural vibrance, value system and 250 million populace, UP is not only India's single largest consumer market, but also a bountiful supplier of skilled human resources. The state has a vast land bank and robust policies to ensure the availability of land for investors to do business. A number of sector-specific industrial parks are being developed. Blessed with natural resources, fertile land and perennial rivers, the state offers tremendous opportunities in agro, food processing, dairy, and textiles manufacturing sectors. With 96 lakh MSMEs, Uttar Pradesh is Digital India's biggest hub of mobile manufacturing, an emerging data center hub, pharma and educational hub. यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उसे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया। Inspired by PM's Vocal for Local movement, UP is high on promoting indigenous products under One District, One Product project. Our defense corridor is helping India become Atmanirbhar in the defense sector. The state is a haven for cultural, spiritual and ecotourism businesses too. Overcoming the challenge of being landlocked, UP's dedicated freight corridors, inland waterways, expressways and airports provide quick, cost-effective, multimodal logistics solutions for the movement of manufactured goods around the global market. World-class, power-rich infrastructure with 9 operational and 10 upcoming airports, 4-lane interstate highways and the futuristic rapid rail transport system shall make every nook and corner of the state easily accessible for the world, thus opening up entire state for investment, including the Purvanchal and Bundelkhand areas. To ensure an investor-friendly ecosystem based on transparency and trust, the government of Uttar Pradesh has come up with Invest UP 2.0, a comprehensive investor services framework under which a single window MOU monitoring portal, Nivesh Sarathi, has been developed to provide one-stop solutions for investors. The state government has formulated new Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 and more than 25 sectoral policies. और इस वक्त हमारे साथ वरुण भसीन लखनऊ से सीधा जुड़ चुके हैं। वसुन वरुण, अभी औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले की है, अब किस तरह की उम्मीदें यहां पर की जा रही हैं इस बार इस समिट से? जी बिल्कुल, देखिए इस बार अभी लखनऊ पे पूरी दुनिया की नजर है, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में एक आप देखिए आर्थिक जो राज्य है उसकी तरफ बनकर आगे बढ़ रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में इस वक्त 40 देशों से 600 प्रतिनिधि हैं। मैं अब अगर अपने दर्शकों को अगर वो समझाने की कोशिश करूँ कि आखिर ये समिट है क्या, तो इसमें समझिए आज उत्तर प्रदेश अपना एक नया रूप दिखा रहा है उन सभी देशों को, उन सभी लोगों को, उन सभी इन्वेस्टर्स को कि आखिर में उसमें अपार संभावनाएं क्या क्या हैं व्यापार करने की। हर एक चीज, हर एक इस वक्त
हर एक सेक्शन से जुड़ी हुई, चाहे अगर हम शिक्षा की बात करें वहां से लेकर हेल्थ तक पहुंचे, या फिर वो डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, या फिर वो लॉजिस्टिक हब यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक से जुड़ा हर एक सामान, वो सब की आज प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। स्टार्टअप इंडिया की जो बात होती है, मेड इन इंडिया की जो बात होती है, वो सब रूट से किस तरह से भारत में जुड़ा हुआ है, वो आज एक उत्तर प्रदेश यहाँ लखनऊ में दिखा रहा है। और 10 से 12 तारीख ये वो है जबकि पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश पर नजर रखेगी, लखनऊ पर नजर रखेगी, भारत पर नजर रखेगी, क्योंकि वो अपार संभावनाएं, वो 600 प्रतिनिधि 40 देशों से आए हैं, उसके अलावा जो 6 देश हैं हमारे साथ इसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो हजारों करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में क्यों करे, उसकी गवाही आज उत्तर प्रदेश दे रहा है। उत्तर प्रदेश हर एक से इस वक्त हर एक जगत से जुड़ी बात, अगर हम बार बार आपको इसलिए ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर निवेश होगा तो रोजगार आएगा तो भारत आगे बढ़ेगा और फिर से वो पैसा जो रिवॉल्व होता है यानी कि जितना ज्यादा वरुण, लेकिन इस बार अब से थोड़ी देर पहले हमारे और जो टीम के और जो हमारे सहयोगी हैं वो अंदर जो निवेशक आए हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उनसे जब बात की तो उनका सबसे पहला रिएक्शन ही था कानून व्यवस्था। उन्होंने एक बोला कि अब किसी भी तरह का कोई डर कोई खौफ नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है जो इन्वेस्टमेंट्स को जो निवेशकों को दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी बिल्कुल, देखिए अगर इसकी बात हम करें तो आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश का जब भी नाम लिया जाता था, चाहे वो राज्य हो या फिर बाहर दूसरे देशों में, तो इस तरह से वो छवि नहीं बनती थी, लेकिन पिछले कुछ 6-7 सालों से इस तरह से वो बदलाव हुए हैं, एक भरोसा इस राज्य पर आया है कि आखिर इधर निवेश करना क्यों सही है। और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है, चाहे वो आम जनता से जुड़ा हो या फिर यहाँ पर आकर निवेश करने वाले व्यक्तियों से, यहाँ पर आकर फैक्ट्री या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक हब या फिर वो सड़कों की बात हो, उन सभी चीज़ों में जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि अब वो सुरक्षा की बात करने की जरूरी था, क्योंकि सुरक्षा इस वक्त वो एक अलग बात चला। 20 साल पहले उत्तर प्रदेश की बदहाली की यहां पर किससे सुनाए जाते थे दूसरे देशों में, लेकिन आज 2023 में उत्तर प्रदेश अपने आप को एक नया उत्तर प्रदेश बनकर निकल रहा है। और आज 10 से 12 फरवरी तक ये समिट अपने आप में गवाही दे रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदल चुका है। अगर वो सुरक्षा से जुड़ी बात हो उसको हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, वो आंकड़े तो बयां करते ही करते हैं लेकिन लोगों का भरोसा भी बयां करता है। उसके साथ साथ अब निवेशक भी इस चीज को समझ रहे हैं कि आखिर वो पॉलिसीज बदली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना आसान उस वे को कर दिया कि यहां पर अगर आप आकर व्यापार करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो वो सब पॉलिसीज में पिछले कुछ सालों में ऐसा बदलाव हुआ कि अब हर कोई चाहता है कि हम यहां पर करें। 5 मेट्रो सिटीज की बात करें, नए एयरपोर्ट्स की बात करें, हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनी उसको आकर जमीन लेना और वहां पर काम करने की बात करें, वो उत्तर प्रदेश आज बता रहा है। और उत्तर प्रदेश इस प्रदर्शनी में आज यही दिखा रहा है कि यहां पर आकर, लेकिन देखिए लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया और हमने प्रेजेंटेशन भी देखा है जब प्रधानमंत्री ने औपचारिक इसकी शुरुआत की है, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया गया उत्तर प्रदेश में। और बार बार हर मंच से योगी आदित्यनाथ ये कहते भी रहे हैं कि सबसे पहले कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त किया, इसीलिए इन्वेस्टर्स अब यहां पर आते भी हैं, बेखौफ होकर के इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के उत्तर प्रदेश में, इस विषय पर भी आज चर्चा होगी। 3 दिन चलने वाले इस समिट में आज का जो सत्र है सबसे पहले इसको लेकर के भी चर्चा होनी है, तो इससे क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कैसे और यहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, ग्लोबल स्तर पे इसको एक नई पहचान दी जाए, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे समिट में 6 जो इस वक्त देश हैं मुख्य देश, अगर सिंगापुर डेनमार्क की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएई की बात करें, तो वो सभी इसमें साझेदारी कर रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां पर आज उनसे मिलेंगे और सबसे पहला जो इस वक्त आज जो सेशन है उसमें सेफ्टी से रिलेटेड बात ही होंगी कि आखिर में अगर आप हमारे देश राज्य में आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस तरह की समस्याएं हैं, उनको खुद मुख्यमंत्री इस वक्त सुनेंगे समझेंगे। और इस वक्त 2 बजे जो उनकी पहली मीटिंग है वो आज डेनमार्क के प्रतिनिधियों से है, जो कि इस वक्त वहां की जो समस्याएं हैं, यहां पर अगर आकर आप किसी तरीके से एक बिना किसी समस्या के पूरे लूप में काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आए, इस चीज को खुद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलकर दूर करेंगे कि उनके मन में किसी भी तरह की मंशा ना रह जाए कि आखिर में यहां पर काम करना आसान है मुश्किल है, तो वो सभी पॉइंट्स को खुद यहां पर क्लियर करेंगे 2 बजे। और उसके बाद वो सेशन इस तरीके से चलाए गए हैं कि जो डाउट्स होते हैं यानी कि जो बाकी दूसरे देशों के या फिर जो इस वक्त जो इन्वेस्ट करने के लिए यहां पर इन्वेस्टर्स आए उनके जो डाउट्स होते हैं उनको एक सेशन के रूप में बदल दिया गया है, यानी कि कि वो समस्या उस सेशन से अलग हो जाए। और आखिर 12 तारीख तक हम जाएंगे तो हमें बहुत इस वक्त वो एमओयू साइन होते हुए दिखेंगे जिसका कुल आंकड़ा 25 लाख करोड़ के पार भी जा सकता है।
बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी को लेकर कई ऐसी बातें हैं वरुण जिन पर फोकस किया गया है। सबसे पहली बात कि निवेशकों के लिए जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी मुख्यमंत्री की तरफ से पिछले कुछ सालों में, वो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है वो, और इसी के साथ जमीन की व्यवस्था। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए सबसे पहले बेसिक तो यह है कि जमीन की व्यवस्था, बाकी सेक्टर्स के अलावा जो इस बार यहां देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो पूरे उत्तर प्रदेश एक 2.0 की तरह अपने आप को दिखा रहा है। वो बता रहा है कि उसके पास अपार संभावनाएं हैं। ये अपार संभावनाएं आप बहुत से अलग अलग क्षेत्रों से देख सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि जिस तरीके से कोविड से लड़ते हुए वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ा था, वो राज्य में उन अच्छा काम करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश का ऊपर नाम आता है। इस चीज को भी देखा था कि आखिर में कोई महामारी आई थी तो उससे लड़ा कैसे था, ये पूरे देश ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वो लड़ाई की गई थी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है, साथ साथ में जो सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं वो अपने आप में बताता है, और उसके साथ अब वो जमीन कितनी, वो जगह है उसके पास, क्या वहां पर आसपास करने वाले लोग काम करने के लिए है, वो नहीं है, रोजगार भी यहां पर बनने को तैयार है, क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटीज एक आम आदमी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के लिए भी बन रही है जितनी की दूसरे देश से आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए। और यही कारण है वरुण कि लगभग 17,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया गया है, जो निजी निवेशक है उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसे लेकर भी खास ख्याल रखा गया है।